तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बी ए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर बी ए फर्स्ट सेमेस्टर की ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं, जिसमें कि अभी हमारा मोशन इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड सर्कुलेशन चल रहा है। इसमें पहले हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझा, फिर हमने कुछ फैक्टर्स को समझा, उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर चुकी है। जिनने अभी तक हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर वो चीज़ देख सकते हैं। वो चीज़ बोल दिया यार। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बी ए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर बी ए फर्स्ट सेमेस्टर की ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं, जिसमें कि अभी हमारा मोशन इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड सर्कुलेशन चल रहा है। इसमें हमने सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जाना, तो उसके बाद हमने जाना कि उसका वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसके बाद हमने जाना कि हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये चीज़ जाना कि जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड को बढ़ाते रहते हैं, यानी कि सी लेवल से ऊपर जाते रहते हैं, तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता रहता है। इसका हमने ये भी जाना कि ये क्यों होता रहता है और कैसे होता रहता है। तो इस वीडियो में हम वो चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर विजिट कर आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, तो हमने देखा कि जो पूरा ग्लोब है यानी पृथ्वी पे अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिसको हम आइसोबार की मदद से समझते हैं। यानी कि आइसोबार क्या होता है, एक लाइन होती है जिसकी मदद से हमें पता लगता है कि सेम रीजन वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ कहाँ पर होते हैं पूरे ग्लोब पे। तो ये भी हमने जान चुके हैं, यानी कि समदाब रेखा से हमने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को समझा। उसके बाद हमने किस चीज़ को जाना, टेम्परेचर बेल्ट को समझा। तो टेम्परेचर की बेल्ट की तरह ही हमारा होता है प्रेशर बेल्ट, जो कि हमें बताता है कि जो सेम रीजन वाले, यानी कि ऐसे कुछ रीजन है जहाँ पर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल है, सेम अमाउंट पे है, उसको हम एक बेल्ट में डाल देते हैं, यानी एक पेटी में डाल देते हैं, तो वही हमारी बेल्ट बन जाती है। तो समझ आया आपको, जैसे कि यहाँ पर हमने बनाने की कोशिश की है अर्थ को कुछ इस तरह, तो थोड़ा बहुत सही है, पूरा तो नहीं है, है ना। तो आइए इसकी मदद से समझ लेते हैं हम। तो जैसे कि अभी क्या समझा हमने, बेल्ट क्या होती है, तो प्रेशर बेल्ट क्या होती है कि जहाँ पर हमारा सेम अमाउंट का प्रेशर होता है उसको हम एक बेल्ट में डाल देते हैं, यानी एक पेटी में डाल देते हैं, तो वही हमारी एटमोस्फेरिक प्रेशर बेल्ट बन जाती है, यानी प्रेशर बेल्ट बन जाती है। अब ये टोटल कितनी होती है, टोटल होती है हमारे पास 7। हमारी अर्थ पर कितनी प्रेशर बेल्ट है, 7। आइए एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी आती है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, तो सबसे पहले ये आती है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर होता है। इसको जो भी इक्वेटोरियल लो प्रेशर वाली हमारे प्रेशर होता है वो हमारी इस वाली बेल्ट के अंदर आ जाती है। उसके बाद इसके ऊपर होता है हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उसके बाद नीचे भी होता है हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये भी दो होती है, एक नॉर्थ की तरफ एक साउथ की तरफ, है ना। यहाँ पर हमारा प्रेशर कैसे होता है, यहाँ पर हमारा प्रेशर हाई होता है। इसके बाद अगर हम ऊपर जाएं तो यानी कि सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। अब इसके नीचे भी हमारे साउथ वाले में ही क्या होता है, सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ भी प्रेशर क्या होता है, लो होता है। अब प्रेशर ये वाला समझना है हमको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला वो मत समझना जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। तो इसी में यही होता है हमारा लो प्रेशर बेल्ट। इसके बाद हम अगर हम ऊपर जाएं तो यहाँ पर हमारे को मिलती है देखने को पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इसके बाद हमारे साउथ में भी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब एक एक करके हम इसको ये भी डिस्कस करेंगे कि जो ये है यहाँ पर लो प्रेशर क्यों होता है और यहाँ पर हाई प्रेशर क्यों होता है, तो एक एक करके इनको बात करेंगे। तो अगर हम बात करें इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की, यानी कि भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी इसको बोला जाता है, तो एक तो हमारी ये हो जाती है जो कि क्या, यहाँ पर लो प्रेशर होता है। तो अभी तो इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखो हिंदी में भी जान लेते हैं हम सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। यानी एक तो हमने नॉर्थ में देखी और एक हमने साउथ में देखी, तो टोटल हमारी दो बेल्ट तो यही वाली हो जाती है। यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, उपोष्णीय कटिबंधीय निम्न दबाव पेटी, समझ में आया। इसके बाद हमारे आ जाती है जो कि हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाली बेल्ट है। इसमें हमने नॉर्थ और साउथ में दोनों की देखी, इसमें भी हमारी दो बेल्ट हो जाती है, यानी दो पेटी। हिंदी में क्या मतलब है इसका, इसका हिंदी में भी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव पेटी, यानी हाई प्रेशर वाली बेल्ट, उच्च दबाव वाली बेल्ट। तो उसके बाद हमारी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट आ जाती है, जो कि हमने एक नॉर्थ में देखी, एक हमने साउथ में देखी। यहाँ भी हमारे को दो पेटी देखने को मिलती है। हिंदी में इसका मतलब होता है ध्रुवीय उच्च दबाव पेटी। तो ये थी हमारी कुछ प्रेशर बेल्ट, टोटल 7 देखी, दो दो दो
और एक ये हमारी टोटल 7 प्रेशर बेल्ट होती है। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि हमारी ये प्रेशर बेल्ट यहाँ पर लो प्रेशर क्यों होता है और हाई प्रेशर क्यों होता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से। तो चलिए अब ये देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले कि ये कहाँ पर स्थित होती है। तो इट इज लाइज बिटवीन 0° to 5° नॉर्थ एंड 0° to 5° साउथ। यानी क्या मतलब है, 0° से 5° उत्तर और 0° से 5° दक्षिण के बीच स्थित है। यानी कि जो हमारा इक्वेटर होता है तो उससे नीचे की साइड 5° और ऊपर की साइड 5°, इन बीच में ये हमारी स्थित है। यानी बीच में है हमारी कौन सी, हमारी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। यानी कि इसको इधर से देखें तो ये 0 है हमारा और यहाँ पर नॉर्थ की साइड 5° और नॉर्थ साउथ की साइड 5°। ये टोटल यहाँ पर हमारी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पाई जाती है। समझ आया आपको। अब इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। वर्टिकल लेस ऑफ द सन हाई, इसके बाद का क्या मतलब है। तो हमने ये देखा है कि जो हमारी इक्वेटर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारी इंसोलेशन रिसीव होती है, इंसोलेशन सबसे ज़्यादा आती है। तो आप खुद ही समझदार हो, जब यहाँ कहीं पे इंसोलेशन ज़्यादा आएगी वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा आएगा। यानी कि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा रिसीव होगी, इसका मतलब वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी यहाँ पर। तो फिर क्या होगा, अब इक्वेटर पर जो भी हमारी एयर है वो हमारी क्या हो जाएगी, हीटअप हो जाएगी, यानी गर्म हो जाएगी। और हमें पता है गर्म हवा क्या होती है, लाइटर होती है। तो यानी लाइटर होगी वो ऊपर की तरफ उड़ जाएगी, यानी ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर प्रेशर कैसे हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो समझ आया, यहाँ पर हमारे इक्वेटोरियल प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट पर प्रेशर लो क्यों होता है। तो इसी वजह, यही हमारी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर क्या होता है, हमारे इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव होती है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारी एयर गर्म हो जाएगी और गर्म होकर ऊपर की तरफ उड़ने लगेगी। तो ऊपर की तरफ अगर आधी एयर हमारी ऊपर की तरफ उड़ेगी तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। समझ में आया कि यहाँ पर क्या होता है, हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है ड्यू टू इंसोलेशन, उसके बाद हमारा प्रेशर यहाँ पर लो होता है, यानी प्रेशर कम होता है। यही एक कारण है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक और जोन पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर, यहाँ उत्तर गोलार्ध की व्यापारिक पवनों के रूप में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण मौजूद है। अब इससे क्या मतलब है, ITCZ जोन बोला जाता है इसको। यानी कि इस मतलब क्या है इसका, तो ये हमारे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में होता है। इसमें क्या होता है हमारा, कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर दो तरह की विंड आपस में आती है, यानी एक नॉर्थ से और एक साउथ से। और कौन सी विंड आती है यहाँ पर, ट्रेड विंड। अब क्या, दो तरह की आती है, एक आती है यहाँ से भी हमारी ट्रेड विंड आती है और यहाँ से भी ट्रेड विंड, यानी एक नॉर्थ की तरफ से और एक साउथ की तरफ से। लेकिन यहाँ पर ये इक्वेटर की तरफ जब आती है तो हीटअप हो जाती है, यानी गर्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। और साथ में क्या, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण से ये हवा गर्म हो जाती है और हवा गर्म होकर ये ऊपर उठने लगती है। यानी कि ये ऐसे आ रही है और ऊपर उड़ जा रही है। समझ में आया, ऐसे ऐसे समझ में आया क्या, कैसे आती है ये ट्रेड विंड, आती है नॉर्थ की तरफ से और साउथ की तरफ से, और आपस में इक्वेटर में गर्मी होने की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ऊपर की तरफ ये राइज अप हो जाती है। समझ आया आपको। तो यहीं पर ये ITCZ होता है। अब ये यही जरूरी नहीं है कि यहीं पर होगा ये, अगर हम सही में देखें तो यहाँ ये कहाँ पर होता है, ये हमारा जहाँ पर जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा यहीं पर ये पाया जाएगा। अब कैसे, अब जैसे कि अभी तो हमारे इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, तो ये कहाँ पर पाया जाएगा, ITCZ कहाँ पर पाया जाएगा, इक्वेटर पे। लेकिन हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो रिवॉल्व करने के कारण जरूरी तो नहीं है कि हर वक्त हमारा इक्वेटर पे ही सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, कभी कभार हमारे नॉर्थ हेमिस्फेयर पर भी होगी और कभी कभार साउथ हेमिस्फेयर पर भी होगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर और कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। यानी कि जो जहाँ पर जब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा ये वहीं पर शिफ्ट हो जाएगा। क्या शिफ्ट हो जाएगा, ITCZ, यानी वहाँ पर विंड आपस में आएंगी दो तरफ से और फिर ऊपर राइज अप हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसको क्या क्या नाम देते हैं हम। तो इसको दो नामों से और जाना जाता है, यानी कि बेल्ट ऑफ काम्स और बेल्ट ऑफ डोल्ड्रम्स। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि यहाँ पर जब गर्मी होगी हवा क्या हो रही है, ऊपर उठ रही है, ऊपर की तरफ राइज हो रही है। यानी कि क्या, यहाँ पर कोई भौचाल नहीं आएगा, बिल्कुल शांति रहेगी, क्योंकि सारी हवा ऊपर जा रही है और प्रेशर लो है, तो नीचे तो कुछ बचेगा ही नहीं ज़्यादा। तो इसलिए यहाँ पर बिल्कुल शांति होगी, ज़्यादा तेज हवा नहीं चलेगी, बिल्कुल शांति का माहौल बना रहेगा। समझ में आया, इसलिए इसको दो नाम से जाना जाता है, यानी शांति की पेटी और उदासी की पेटी। ये देखिए,
शांति की पेटी और उदासी की पेटी, इंग्लिश में क्या, बेल्ट ऑफ काम्स और बेल्ट ऑफ डोल्ड्रम्स, यानी दो नामों से और जानी जाती है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो समझ आए, तो ऐसे ही हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट खत्म होती है। इसके आने वाले वीडियो में हम और बेल्ट को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।